आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमन पाल है। बांग्लादेश में किस जगह से हैं? बांग्लादेश के सिलेट डिवीजन का मौलवीबाजार जिला से हूँ। अच्छा, एक्चुअली वो जो हमारे दादा है ना, वो खड़े हुए हैं जो गाड़ी चलाते हैं मेरी, वो भी बांग्लादेश से ही है। मैंने उनसे कहा आपका बंदा आ रहा है आपके गाँव का, कहने चलो आएगा तो मैं बात करूंगा उससे, ठीक है? हाँ, वो पहचान लेंगे, समझ जाएंगे। अच्छा, एक्चुअली ये बांग्लादेश से है और तो खुद ही कई बार बता चुके हैं। कहना ये है, मैं रीज़न क्या है वीडियो बनाने का, देखो बांग्लादेश से मेरे पास बहुत मेल आता है, पाकिस्तान से मेरे पास बहुत मेल आता है, इमरान भाई के नंबर ढूंढने के लिए मेरे को 3 महीने लगा था, ठीक है? मैं और किसी के पास नहीं गया हूँ, नंबर ढूंढने के बाद भाई को कॉल किया हूँ। वो मेल तो नेपाल से भी काफ़ी बंदे मेल करते हैं, लेकिन उन लोगों को जनरली हम लोग रिप्लाई नहीं करते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, जनरली इनको रिप्लाई नहीं करते। मैं खुद मेल डिलीट कर देता था, मेरे जो स्टाफ है मैंने उसको भी बोल रखा है कि इन तीनों कंट्रियों का मेल डिलीट कर दिया करो, जो इंडिया का डायरेक्ट आता है बस उन्हीं पे रिप्लाई होता है। रीज़न क्या है मैं बताऊं, एक तो ये पीछे पड़ गए थे, सच बता रहा हूँ पीछे पड़े थे, इसलिए यहाँ आए, वरना मैं इन्हें ना लेता। रीज़न क्या है कि इंडिया का जो सिस्टम है वो टोटल मुझे पता है कि कैसे क्या होना है, ठीक है? पाकिस्तान का सिस्टम इमिग्रेशन का मुझे नहीं मालूम, नेपाल की एयरपोर्ट का इमिग्रेशन का सिस्टम मुझे नहीं पता, बांग्लादेश का एयरपोर्ट का इमिग्रेशन का सिस्टम मुझे नहीं पता, ठीक है? तो अब इसीलिए मैं इन लोगों को हाथ नहीं लगाता। हाँ, अगर खुद से यहाँ आ जाते हो अपना वीज़ा और अपना टिकट लेके तो मैं करा दूँगा, लेकिन कहोगे कि हम इंडिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान में हैं, वहाँ से आप हमें डायरेक्ट बुला लें खुद से वीज़ा टिकट दे के, तो हम ना कर पाएंगे, ठीक है? इंडिया वालों के लिए तो मेरी सारी सेटिंग है, और इन तीनों कंट्रियों के लिए जो मैंने अलग बताया है, इनको भी मैंने मना किया था, तो इन्होंने कहा कि नहीं मुझे आना है, हमको अगर आना है तो अपना वीज़ा ले लो, अपना टिकट ले लो, आ जाओ, जब यहाँ आ जाओगे तो हम काम करा देंगे। तो फिर इन्होंने यही किया, अपना वीज़ा लिया, अपना टिकट लिया, अपना जो इनका एयरपोर्ट का जो ताम झाम था, जो भी हैंडल करना था इमिग्रेशन, वो इन्होंने अपने हिसाब से किया, यहाँ आ गए हैं, अब आगे का काम कराने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है भाई? तो इसी तरीके से चाहे इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल या पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया वाले को छोड़ के, इंडिया वाले का भी नाम गलती से मुंह से निकल गया, उनको छोड़ के, आप लोग यहाँ आ जाओगे अपना वीज़ा टिकट लेके, तो इंशाल्लाह काम मैं करा दूँगा, ठीक है? ठीक है, चले ना। हाँ। ये भी बाइक डिलीवरी में ही आए हुए हैं।